सारं संप्राप्ता गातिववाब्धिपारं दित्वानन्तसुबोधिभारं समाधिसारं विरुडुमिसारं उडुमूरियिन्ताडं उडुमूसिद्धाडं नमुवाय्व्याणं सिद्धवाणी की एक जड़वान संतिन स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की पुरुम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की पुरुम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की समय विश्वधर्म की जय बोलिए। चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, नमोस्तु शासन। बंधु ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन। जय बंधु जयवंत वित्राग श्रवण संस्कृति भगवत अर्थ परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वसत का सत्यानुभूत प्रदान किया है। लोक में कार्य प्रधान नहीं निर्णय प्रधान है। जिनके निर्णय सम्यक हैं उनके कार्य सम्यक हैं, जिनकी निर्णय असम्यक हैं उनके कार्य भी असम्यक हैं। आवश्यकता है व्यक्ति को निर्णय सम्यक करने की। आगम छूटे ना, आगम का लोप होना, संस्कृति का ह्रास होना और समाज के विकास में कमी ना आए, अध्यात्म विद्या विश्व में अखंडता को प्राप्त हो, निर्णय ऐसे हो। विश्व शांति विश्व मित्र चाहिए है, अपरपूर्ण ध्रुव शक्ति है। लालच देके विश्व शांति कभी नहीं कर सकते आप, अध्यात्म विद्या के बल पर ही विश्व शांति संभव है। लालच देकर के अपना बनाना किसी को, एक कड़वी औषधि पर शक्कर की चाशनी है। वो अध्यात्म जो है वह शुद्ध मिस्त्री की डली है, शुद्ध के पास पहुंचता है, परम तत्व की व्याख्या कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अभूतार्थ पर तुम्हारी दृष्टि है, भूतार्थ पर लक्ष्य कब लेके जाएंगे। इस अभूतार्थ दृष्टि के कारण आज तक कलयुग में तुम भटक रहे हो। कितने काल इस जीव ने भ्रमण कर लिए हैं, एक लक्ष्य एक दिन लाना ही पड़ेगा, एक दिन लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और लक्ष्य तुम्हारा बन गया, निर्णय सम्यक हो गया,
तो लज्ज का भेद हो जाएगा। पंख नहीं, पत्र नहीं, लज्ज देखो। पंथ नहीं, पक्ष नहीं, लक्ष देखो। तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी ने ही नहीं, सनातन काल से अनंतानंद चौबीसों ने इस भारत की भूमि पर उस परम सत्य की व्याख्या की है, परम लक्ष्य की व्याख्या की है। अंतिम निर्णय तुम्हारा निज का होगा। कैलाश पर्वत से लेकर के विपुलाचल तक, मंदारगिरी से लेकर के मित्र नैनागिरी तक, तीर्थंकर भगवंतों ने जो तत्व की उपदेश दिए हैं, तो मित्र नैनागिरी से लेकर के गिरनार तक जो 24 तीर्थंकरों ने जिसकी प्ररूपणा की है, वो गंभीर विषय है। जो वस्तु तुमसे अत्यंत भिन्न है, लोक चलाने के लिए, विवाह जीवन जीने के लिए उसका उपयोग तुमको करना होगा, लेकिन उसके पीछे ज्ञायक को नहीं भूलना होगा। तुम्हारा शत्रु कौन है? शुद्ध जैनी का कोई शत्रु ही नहीं होता। जैनी का विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। जैनी शत्रु मान लेगा किसी को तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैनी जीव दया से भरा होता है। और जीव दया जो है एकेंद्री से लेकर के, आप तो मनुष्य की बात कर रहे हो, भक्षण करने वाले शेर की भी रक्षा करना सिखाता जैन धर्म, और चींटी से हाथी तक की रक्षा सिखाता जैन धर्म। मित्र चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, रक्षा करना ही इस धर्म का काम है। स्वप्न में मत सोचना कोई मेरा शत्रु है, स्वप्न में मत सोचना कोई तुम्हारा शत्रु है। जगत अपना मुझे शत्रु मानता भी हो, तब मैं उसका शत्रु, उसे मैं अपना शत्रु नहीं मानता। बोले क्यों? सबकी रक्षा हो, यही तो जैनी का धर्म है। लोग जैसे गौशाला खोल के गौ की रक्षा करता है, जैन दर्शन कहता है गम गच्छ गो, गम गच्छ, गम धातु गमन अर्थ में है, जो जो गमन करें सब गो। इसलिए गच्छति गौ, गमन करे सो गौ। जो जो प्राणी है संसार में, मित्र एवं भूतने से सभी गौ है, और सब रूढ़ने से गाय गौ है। ओहो, जब तक नए दृष्टि का ज्ञान नहीं है, आप जिनवाणी की व्याख्या कर नहीं पाएंगे। मित्र किसे बार करना तो बहुत बड़ा पाप है। जिन शासन किसी पे बार करने का विचार ही नहीं करता, बार करने का विचार कर लोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग भर जाएगा। पुने कहूं, वार करने का विचार कर लिया, मोक्ष मार्ग वर जाएगा। निर्णय गंभीर हो।
निर्णय गंभीर हो। वकील साहब पद प्रतिष्ठा धन धरती दारा इनमें आपका सत कहां कहां है? पद प्रतिष्ठा धन धरती दारा इनमें आपका सत कहां कहां पर है? अहो ज्ञानी, इनमें तेरा सत कहीं भी नहीं। वो जहां सत नहीं है वहां पूरे जीवन की सत्ता को सौंप रहे हो। आत्मा द्रवगुण पर्याय ये शब्द नहीं अध्यात्म। आत्मा द्रवगुण पर्याय ये शब्द नहीं समय सार। ये शब्द शब्द द्रव स्रोत है। जगत की आत्माओं के अंदर परमात्मा की आग जैसी खुल चुकी है, उसका नाम है समय सार। जिस शासन में आप जी रहे हो वहां तो तलवार मारने बाल पर बार नहीं कर पाएंगे आप। क्षमा ढाल ही तुम्हारे पास है। आज तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी की निर्वाण की वेला, भगवान गर्धर परमेष्टि गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की वेला पर इतना ही निर्णय लेना कि एक दीप जलाएंगे आप। पंडित जी कितनी धनपति आदमी होगा एक दीप जलाता है। मां एक ही दीप जलाना, एक बड़ा दीप जलाती मां बड़ा दीप, शेष दीपों के साथ क्या होता है? एक दीप जलाते एक दीप और शेष दीप जितने बुझे होते हैं बड़े दीप के नीचे ले जाकर के सब को तुम जला लेते। बुझे दीप प्रज्वलित दीप के नीचे आते हैं वे सब ज्योतिर्मय हो जाते हैं। बुझे दीप दीपक बुझे दीप एक प्रज्वलित दीपक के सामने आते हैं सब ज्योतिर्मय हो जाते हैं। ऐसे बुझे दीप एक ज्ञानी के पास आते हैं सब ज्योतिर्मय हो जाते हैं। ये ज्योति दीपक की तो प्रतीक है। यथार्थ में जो दीपावली है वो केवल ज्योति की आराधना है। लड्डू प्रतीक है। भगवान कबलाहारी नहीं होते हैं। लड्डू खाने के लिए नहीं चढ़ाते कि भगवान खाएंगे। ये गोल लाडू कहता है हम चारों ओर से गोल हैं ठोस बूरे के। ऐसे निर्वाण जो है जिसका आदि नहीं अंत नहीं मध्य नहीं उसका नाम निर्वाण लाडू है मोदक। जिस जीव को बोध नहीं है वो विपरीत व्याख्याएं करके अपने प्रमाद को न देख करके क्रिया को छुड़ाने की बात करेगा। पंडित जी बोले मंदिर में शक्कर का लड्डू चढ़ा दोगे तो चींटी हो जाएंगी। हे मित्र फिर तो पानी भी डालोगे तो मेरे मित्र उससे भी बहुत कीचड़ हो जाएगी। लड्डू चढ़ाओ उठा लीजिए चींटी क्यों होंगे। अपने प्रमाण को सुधारना चाहिए न कि विधि को समाप्त करना चाहिए।
अपने प्रमाण को संभालना चाहिए, न कि विधि बदलना चाहिए। यदि श्रीयांश पंडित जी ने गोला छील करके लड्डू के रूप में चढ़ा भी दिया तो प्रतीक तो आप मान लेंगे, लेकिन अंदर जाइए आप, लड्डू मोदक 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 मीठा होता है। मोदक राहुल मीठा होता है, तो जो गोला तुमने चढ़ाया वो मीठा तो है ही नहीं है। अब कैसे कहेंगे निर्वाण लाड़ू? मोदक है, मोदक मीठा होना चाहिए, लेकिन चढ़ा करके शीघ्र ही उठा लेना चाहिए। प्रमाद नहीं करो, प्रमाद नहीं करो। प्रमाद हिंसा है, क्रिया हिंसा नहीं है। आगम का शब्द पकड़िए, ये विद्वानों की सभा है पंडित जी, प्रमाद हिंसा है कि क्रिया हिंसा है? प्रमत योगा प्राण प्रोपणम हिंसा, प्रमाण के योग से प्राणियों के प्राणों का वियोग करने का नाम हिंसा है। क्रिया एक सी दिखती है फिर भी हिंसा नहीं होती है। ओ मित्र, क्रिया एक सी दिखती है फिर भी हिंसा नहीं होती है, ये क्रिया ना करे तब भी हिंसा होती है। एक वैद्य के हाथ में छुरी है, वो शल्य क्रिया कर रहा है, वो सामने सामने आप पैसे देख के अपने पेट कटवा रहे हो, पैसे देख करके छुरी चला रहा कि नहीं चला रहा है, लेकिन वैद्य का अभिप्राय उसे मारना नहीं है, उसको प्राण रक्षा करना है, उपचार करना है, परंतु कसाई चलाएगा तो मित्र वो हिंसक ही होगा। क्रिया देख करके दूर नहीं भाग जाना, क्रिया देख के दूर नहीं भाग जाना है, अभिप्राय के पास जाना। वकील साहब, मित्र क्रिया देख के दूर मत भाग जाना, अभिप्राय के पास जाना, अभिप्राय के पास जाना। वो अभिप्राय नहीं देखा, क्रिया देख के भाग गए, तुम बहुत गलत निर्णय कर लोगे। क्या हो गया आप सबको? अभिप्राय देखिए, अभिप्राय देखिए। घर में बकील की रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, चूल्हा जलता है, मुड़राज को आहार कराए, डबल चूल्हा जल गया घर में। इसी बीच में कोई ज्ञानी जी पहुंच गया, वकील साहब क्या कर रहे हो हिंसा, चूल्हे जला रहे हो? हे मित्र, अभिप्राय को देखिए, उनके घर में जो चूल्हा जल रहा था, अज्ञानी को चूल्हा जलते दिख रहा था, पर वकील को एक आत्मा सिद्धालय में जाते दिखाई दे रही थी। क्यों? मेरे द्वार पर वीतरागी निर्गंध तपोधन पधारेंगे, ये धरती के देवता, ये मेरे एक लीटर तेल से जब कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर के तीर्थंकर के दर्शन करने जनाले जा सकता है, तो मेरे एक ग्रास से ये योगेश्वर करेंगे यात्रा शिवालय की, बनेंगे सिद्ध प्रभु, मुक्ति बल्लभा के कंत बनकर के सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। मेरा ग्रास अज्ञानी चूल्हे में रोटी बनते देखता रहा, ओ बनाने वाला दाता रोटी नहीं देख रहा था, रोटी के भीतर असली सिद्ध भगवान की सत्ता को देख रहा। अहिप्राय एक जीव ग्रस्त
काम पुरुषार्थ में तल्लीन है और दीपक वो सोच रहा है कि अज्ञानी देखो विचार में लगा हुआ है पर उसकी दृष्टि चल रही थी, मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, मेरे में असमर्थता है, लेकिन एक काम पुरुषार्थ को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मेरा ये पुरुषार्थ ऐसे पुत्र को जन्म देगा कि जिन शासन को जयवंत करेगा, मेरे मित्र उसके अभिप्राय को देखिए। जब भी मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखो योगी, एक रोटी का ग्रास लेना, उसे अच्छी तरह से देखना और सोचना, कभी किसान ने सोचा था क्या, जब खेत में बीज डाला था, धान उगा के निकाला, रखा था धान उसके खलिहान में, तब नहीं सोच रहा था कौन से दाने वो रोटी का टुकड़ा बनेगी जो दिगंबर मुनि के हाथ पर जाकर के जो भगवान बनने के लिए सहकारी कारण बनेगी। किस व्यक्ति ने कुआ खोदा था उसे नहीं था मालूम, खोद के चला गया था, पर कौन सी पानी की बूंद होगी जो एक दिन आर्चरिया में आएगी और योगी के हाथ में जाकर के उनको सिद्धत्व का साधन बनेगी। ये देखो एक कागज रखी, कागज कौन सा कागज ऐसा था जिसमें काम शास्त्र लिखे जाएंगे, कौन सा कागज कुशास्त्र लिखे जाएंगे और कौन सा कागज ऐसा हाथ में आया जिस पर तीर्थंकर अरिहंत के जिन सूत्र जिन वाणी लिखी जाएगी। नियोग कंपनी में कितनी पेंशनें बनी होगी, कैसे कैसे लोगों के हाथ में गई होगी और एक पेंसिल मुनि के हाथ में आई है, उसने जिनवाणी लिखकर ग्रंथ लिख के रख दी। अब समझो मित्र, एक क्षण को अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अहो मेरे तात, अहो मेरे जनक, अहो मेरी जननी, आपने भी नहीं सोचा होगा हम जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो बच्चा कभी बीतरा के दिगंबर आचार्यों की प्रवचन सभा में बैठा मिलेगा। पंडित श्रीयान जी क्या करूं, काल विचित्र, जब समय आया आज तुम्हारा पिता होता पर काल ने देखने ही नहीं दिया कि मेरा बेटा कितना बड़ा विद्वान बन चुका है। जिनकी बेटी आगे बढ़ रहे हो मोक्ष मार्ग पर ज्ञान के क्षेत्र में, उन माता पिताओं से कहना उनको और आगे बढ़ा दो, कम से कम दुनिया के लोग अभागे अपने बेटे को चोर डाकू के रूप में देख के जाते हैं तो अपने बेटे को भगवान बनते देख के जाते। निर्णय क्या आपको आपकी समिति ने या पंडित जी ने समझा के रखा है कि महाराज जी बोले तो चेहरा ऐसे बना लेना बिल्कुल पागल जैसा? जो 2 मिनट शांत नहीं रह सकते पंडित जी, ये सब पूरी सभा शांत बैठी है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। मैं सारस्वत जैसे लोगों को दिखा रहा हूं कि शब्द ब्रह्म आत ब्रह्म का साधन बनता है। जिनके चित्त में नाना धाराएं गुंजायमान हो रही हो उनका चित्त भी जब शब्द भाव से संस्कारित होकर निकलता है तो मित्र आचार्य विद्यानंद स्वामी लिखते हैं अष्ट सहस्री में,
अहो जड़ पुद्गल वर्गड़ाए भाषा वर्गड़ाए पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं प्रभाव छोड़ती हैं क्या? पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं संभल के बोलना अष्ट सहस्री पढ़ने वाले लोग सुनो भाई, पौद्गलिक शब्द वर्गणाएं प्रभाव छोड़ती हैं क्या? उनमें क्रम कब बनता है? पंडित जी पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं डिब्बे में रखे आटे के समान है। पौद्गलिक शब्द वर्गणाएं डिब्बे में रखे हुए आटे के समान है। मां पानी ना डाले आटा ना गूंथे चौकी बेलन ना हो अग्नि ना हो तवा आदि पर न हो तो अकेला आटा स्वाद भर के देखे। अकेला आटा स्वाद भर के देखे। हे मित्र भाषा वर्गण तालु ओष्ठ दंत कंठ ये सारे उच्चारण स्थान है। जिह्वा इन सब के साथ साथ वायु भी चाहिए। ओ ज्ञानी शब्द क्या करता है? शब्द क्या करता है? ध्वनि क्या करती है? ध्वनि क्या करती है? वक्तृविज्ञानम वक्तृविज्ञानम इस शब्द पर ध्यान दीजिए। वक्तृविज्ञानम पंडित जी वक्त्री विज्ञानम वक्ता का विज्ञान नहीं होगा तो शब्द कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? वक्त्री विज्ञानम ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये अष्ट सहस्री ग्रंथ बोल रहा है। वक्त्री विज्ञानम संपूर्ण भारत के भूतल पर नहीं संपूर्ण विश्व के भूतल पर न्याय का सर्वोपरि कोई ग्रंथ है उसका नाम अष्ट सहस्री है। देश के संपूर्ण दर्शनों को एक स्थान पर एक ग्रंथ में देखना चाहता है कोई व्यक्ति उसका नाम अष्ट सहस्री ग्रंथ है। ग्रंथ करता लिखने के उपरांत स्वयं लिखते कष्ट सहस्री कष्ट सहस्री इतना जटिल ग्रंथ है लेकिन एक बार समझ लिया ना सारी गुंतियां सुलझ जाएंगी। तो वक्त्रे विज्ञानम जो वक्ता का विज्ञान नहीं वक्ता का ज्ञान है। अहो ज्ञानियो पंडित जी हम बोलते हैं कि सोचते हैं ध्यान तो भाई हम बोलते हैं कि सोचते हैं। हे ज्ञानी जो सोचने वाला है वो कौन है? वो आत्मा है। वो आत्मा जो है जिससे जानता है करण बना रहे आत्मा को कि कर्ता बना रहे हो। सोचने वाला करता है किससे सोचता है? करण बनाइए किससे सोच रहा है? बुद्धि से ज्ञान से बुद्धि मन चित्त बोले बुद्धि मन चित्त अद्वसाय ये सारी की सारी क्रिया जो है सब छोड़ दीजिए एक ज्ञान के पास जाइए। बुद्धि काम करेगी तो किससे? चित्त काम करेगा किससे? अद्वसा होगा किससे? मति काम करेगी किससे? ज्ञान एक ज्ञान। तो यदि वक्ता का ज्ञान न हो
वक्ता का ज्ञान न हो तो ओष दंतु तालु शब्द बरगड़ाएं हे मित्र ये अकिंचित कर हो जाएंगी। निर्णय प्रयोग अभिप्राय दादा सुकुमार चंद जी जिब्बा हिला करके करुणों की जान बचा सकते हो और जिब्बा हिला करके करुणों को मरवा सकते हो। जिस जीव ने अध्यात्म को समझ लिया जैनत्व को समझ लिया उसकी जीव ऐसी चलेगी कि लाखों जीवों की रक्षा होगी और जिसने मेरे मित्र अपने चित्त को भ्रांत किया उसकी जिब्बा ऐसे लेगी कि लाखों पर तलवार चलेगी। इसलिए बोलो पहले मत सोचो पहले, बोलो पहले मत सोचो पहले। निर्णय महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी क्षेत्र में भावुकता का निर्णय नहीं करना, किसी भी क्षेत्र में भावुकता का निर्णय नहीं करना। एक कार्य की सफलता के लिए लाखों कार्य नहीं बिगाड़ लेना चाहिए। एक कार्य को ऐसे सफल करो कि लाखों कार्य भी बन जाए। देश के श्रमण देश के श्रावक यदि शुभ्र सागर सुन रहे हो तो मित्र ध्यान दो, देश के श्रमण देश के श्रावक ऐसी भाषा का प्रयोग करें गोंद कहीं भी छोड़ दो सबको चिपका लेती है। शुद्ध बमूल की गोंद छोटू कहीं भी छोड़ दो सबको चिपका लेती है। आप ऐसी भाषा बोलो कि देश की संपूर्ण समाजें दिगंबरों से चिपक जाए। ऐसी भाषा मत बोलो। माना कि श्रीयांश पंडित जी सागर बन गए, माना क्यों बे भाई ज्ञानी हैं पुण्यात्मा हैं लाखों भक्तों उनके साथ हैं बड़ौद में एक मठ बन गया उनने निर्णय कर लिया इसी मठ में रहेंगे तो भाई वो तो मठ में रह लेंगे मठवासी हो गए चित्तवासी हो गए। हम तो बिहारी हैं पग बिहारी चित्तवासी नहीं मठवासी नहीं। हे मित्र हम तो बिहारी हैं तुम तो अपने मठ में बैठे रहोगे हम तो पूरे देश के जैन अजैन सबके बीच में 8 महीने विचरण करना है। ऐसी भाषा मत बोलो कि रास्ते में चलते साधु पर उपसर्ग आने लग जाए। बेअनियत बिहारी नहीं है पंडित जी जिनके नियत मठ है इस मठ से उस मठ पहुंच गए, अनियत बिहारी बे हैं। हे मित्र लोगों ने अनियत विहार का अर्थ ही उल्टा कर दिया, उद्दिष्ट त्याग और अनियत विहार का इतना विविचार किया गया है बट के स्वामी हो तो क्षमा नहीं करेंगे आपको। मित्र अनियत विहार पर विचार कीजिए और उद्दिष्ट पर। हमारे वकील साहब पता नहीं बेचारे क्या हो गया वो तो हर दिन चौका लगा के आ जाता है लेकिन वकील साहब जी कहीं आपको डांट ना पड़ जाए जगत में। बोले महाराज को दुष्ट खिला रहे हो। हे मित्र श्री मूलाचार में जो उद्दिष्ट की व्याख्या है श्रीयांश बड़ौद उसका प्रचार करेंगे। अब श्रावक को चौका लगाना उद्दिष्ट नहीं है। हे मित्र यदि साधु बनवाए और श्रावक कहे महाराज जी ये आपके लिए ही बना है तो उद्दिष्ट है बिल्कुल नहीं जाना। मेरे से कोई बोल देता महाराज जी कल आना मैं जाते ही नहीं हूं
इसलिए भाई कहीं चौके खाली न जाए तो इसकी विवेक रखना, कहीं बोलना नहीं कि महाराज जी कल चौका लगा रहे हैं, आ जाना आप, गए काम से। हे मित्र, उद्दिष्ट क्या कह रहे हैं? मुड़राज को मालूम नहीं होना चाहिए आज मेरे आहार कहाँ होंगे, और श्रावक को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में कौन से महाराज आएंगे। ऐसा श्री मूलाचार में लिखा पंडित जी, बराबर पंडित जी लिखा कि नहीं लिखा कि श्रावक को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में कौन से मुड़राज आएंगे, और मुड़राज को मालूम नहीं होना चाहिए कि आज मेरे घर आहार किस घर में होंगे। ये तो हुआ उद्दिष्ट। अब चलिए नियत विहार, अनियत विहार। हे मित्र, अनियत विहार का मतलब मेरा निजी स्थान नियत नहीं है। विहार तो नियत ही होता है, असंगी थोड़ी है जो बिना सोच के चल दोगे आप। असंगी नहीं होना, नियत ही होता है, सोच के ही होता है, निर्णय करना ही पड़ता है कितने किलोमीटर चलना है आपको। अनियत विहार का मतलब समझिए, एकाएक पिच्ची उठा के निकल जाना, ये अनियत नहीं है। मूलाचार और मूलाचार प्रदीप, मूलाचार प्रदीप ग्रंथ को पढ़ लीजिए। यदि यदि दादा सुकुमाल चंद कहाँ गया ज्ञानी, आप अपने समधी वीर सेन के घर गए। मित्र, पुरानी परंपरा का ध्यान रखना, खांस के जाना, उन्हें तो घंटी बजा के जाना, सीधे कभी किसी घर में प्रवेश मत कर देना। सत्य है, अपनी इज्जत चाहे बुजुर्ग तो घर में सीधा प्रवेश ना करे। कौन बहू बेटी कैसी बैठी है, आपने खासा है वो अपने संभल गई, सिर खुले बैठी तो उसने साड़ी तो ढकली सिर पर। हे मित्र, घास के जाइए, संकेत करके जाइए मैं आ रहा हूं। लेकिन जब तुम अपने समधी के यहां गए थे, सुनसान में चले गए और सुनसान में निकल आए, बाद में मालूम चला यहां कौन आया था, बोले सुकुमाल चंद आए थे, और उसी दिन इनके घर में चोरी हो जाए। अब दादा सुकुमाल चंदी कितनी सफाई देना तू, जब तक सही डाकू का पता नहीं चलेगा तब तक तुम पक्के डाकू हो। क्यों बिना बताए घुसे और बिना बताए निकल गए, बने रहो तुम समधी, समधी पना नष्ट हो जाएगा। बोल के जाइए और बोल के आइए। मूलाचार में लिखा है कि मुड़राज चातुर्मास कर रहे हैं, ठीक है, अब चातुर्मास कर रहे हैं, चार महीना श्रावक का जुड़ाव हो जाता है, होता कि नहीं, राग बढ़ जाता है उसको, वो अचानक तुमने उछाई पट्टी भग गए, उसके हृदय घात भी हो सकता है, उसे कष्ट हो सकता है। इसलिए पहले से माहौल बना दो आप तो कि भाई ये मैं विशुद्ध सागर नहीं बोल रहा हूं, ऐसा श्री मूलाचार में लिखा हुआ है कि श्रावक समझ जाते हैं, चलो भैया अब दीपावली हो चुकी है, अब पिछली प्रवर्तन होने वाला है, अब तो बिहार की बेला है, बस श्रावक राग कम होने लगता है, फिर धीरे से निकल जाओ। ओहो, किसी घर में जाते हो ना, ओ सुनील भाई तुम प्रधान जी के यहां गए, तो मित्र बोल के आते कि नहीं, भैया हम जा रहे हैं देखना अपना, बोलते कि नहीं, मां किसी भी घर में गई तो क्या बोलती हो, भैया हम जा रहे हैं अपना देखना, ये कहना बहुत जरूरी है। बोले कहीं से कुछ हो गया, ओ
सुकुमार चंद जी, लोगों ने मुड़राज को नहीं छोड़ा। एक श्रावक ने मुड़राज की सेवा की, कापालिक ने मंत्र सिद्ध किया शमशान घाट में। वहां मुड़राज शवासन से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते मुड़राज को समझा कि ये भी मुर्दा ही है। एक मृतक को ला करके मुड़राज के बगल में डाल करके उसने क्या किया, खीर पकाना शुरू कर दिया, नीचे सिर के आग लगा दी। सहन करते रहे महाराज, लेकिन क्या करें, शरीर हिल गया, शरीर हिल गया, उसकी बटनोई गिर गई, तो कापालिक डर करके भाग गया, पर सिर जल तो चुका था, फपोले पड़ चुके थे। सुबह श्रावकों ने देखा, धर्मात्मा श्रावक था, मुड़राज को ले गया, अपने गृह चैताल में विराजमान करके उनका उपचार किया। धन्नो ऐसे श्रावक को, धन्नो श्रावक को। लेकिन सुनो ना, जिस कक्ष में रोके था सेठ धनपति था, उसके पास धन था, उसने सोचा इससे सुरक्षित स्थान क्या होगा। सुनो बालको, माँ तुम्हें सोने के कपड़े बदलना है, कभी किसी मुनि के कमरे में जाके कपड़े बदलने की चेष्टा नहीं करना, कमरा खाली पड़ा हो तब भी नहीं जाना। बालको समझो बेटा, अब ये माता कपड़े बदल के चली गई और लौट के आए, महाराज को तो ये पता था भाई हमारा कमरा है, उन्होंने अपने कमरे को ऐसे धक्का मार दिया, वहां कोई माँ पुनः कपड़ा बदल रही हो तो अनर्थ हो जाएगा, लुकिंग वो, अथवा तुम कपड़े छोड़ के चले गए। छतरपुर की एक सत्य घटना सुनिए, सत्य घटना। मुड़राज बिनिश्चय सागराचर चौमासा कर रहे थे, तो खजुराहो में अंग्रेज आते हैं, वो घूमते घूमते छतरपुर आ गए। महाराज जी आहार करने गए थे, एक श्रावक ने महाराज जी कमरे में कपड़े बदले, सुबह सुनते जाना, वो कपड़े बदले और कपड़े टांग के चला गया। महाराज जी को क्या मालूम मेरे कमरे में क्या है, वो अंग्रेज जो है ना साथ में चला आया, और जैसे ही कमरा खुला वहां कपड़े टंगे। वो अपनी भाषा में कहता है, ये लोग बाहर नंगे रहते हैं, अंदर कपड़े पहनते, देखो टंगे हुए हैं। उनको समाज के बच्चों ने बहुत समझाया, वे समझने को तैयार नहीं। एक छोटी सी भूल से मुड़राज के प्रति अश्रद्धा खड़ी करा दी। आप बाहर से आए, आपके पास सामान है, आपने सोचा सबसे सुरक्षित स्थान महाराज जी कमरा, और अपनी अटैची कपड़े सब तुमने वहीं रख दिए, पानी की बॉटल छोड़ के चले गए, और मित्र आप तो चले गए और ऐसा उसमें गुटखा डालने थे वो भी टपक गया और छोड़ के चले गए, भूल गए तुम। इसी बीच में सुकुमार चंद चतुर आदमी पहुंचा सुबह, वो देखता कि सुबह सुबह अरे महाराज जी कमरे में पानी की बॉटल, और झांक के देखता अरे यहां तो पाउच पड़े हुए गुटके के, बस हल्ला कर दिया है, महाराज देखो रात्रि में पानी पीते हैं, देखो देखो। हे मित्र, एक श्रावक की भूल ने दिगंबर मुनि को बदनाम करवा दिया, ऐसी भूल मत करना। कोई भी श्रावक महाराजों के कमरे में कपड़े ना बदले, न टांग के जाए, न अटैची रखने जाए। बोले खाली तो है महाराज जी, खाली रहने दो, ग्रस्तों के खाली कमरे शोभा नहीं देते और मुड़राजों के भरे कमरे शोभा नहीं देते। कुछ नहीं होना चाहिए, मुड़राज के कमरे मात्र मुड़राज हो, जिनवाणी हो, पिछी का मंडल, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मित्र, जितना तुम कमरा सजाओगे, इस श्रृंगारियों का मार्ग नहीं है, ये वीतरागियों का मार्ग है। कमरे का श्रृंगार मत करो, शील से भावों का श्रृंगार करो। क्या हो गया, शील से भावों का श्रृंगार करो।
भावों का श्रृंगार करो। अब मैं तो व्याख्यान कर रहा हूं जिनमानी का, अब इसे सुनते सुनते कोई अधूरा सुन के चला जाए, बोले महाराज जी ने मेरे ऊपर बोल दिया, हे मित्र तेरे ऊपर नहीं बोला है और तुझे लगता है बुरा है तो सुधार कर लीजिए, सुधार करो, लेकिन कसाय बांध करके ये मत सोचो कि मेरे ऊपर बोला है। मित्र मुड़ेराज का उपदेश होता है इसलिए कि जगत की मित्र एक प्रश्न है, बर्तन में पिचक आ जाए फिर तुम बाजार लेके ठुकवाने जाते हो क्यों? क्यों? अब तुम दूर से चिल्ला रहा प्रथम भैया रेंदे 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 रेंदे, अरे तू लाया क्यों था वो तो तब तक ठोके जाता पिचक ना मिट जाए। अब बड़ोद वाले हमसे कहें बोले महाराज क्यों ठोक रहे हो तुम लाए क्यों? लाए इसलिए हो कि भाई पिचक मिट जाए बड्डू भैया। बर्तन लेके गए हो तो मित्र वो तो ठोकेगा ना पिचक मिटा के, तब तक ठोके जब तक पिचक मिट ना जाए। अब तुम वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि पिचक मिटा रहा है वो फोड़ नहीं रहा है। जय हो आज के रह जय हो। पिचक मिटाए ना उसे पता है, लेकिन सुनील को मत दे देना भाई पिचक मिटा दो हमारी। पिचक मिटाने की भी कला होती है, बोले सुनील को पकड़े भाई पिचक मिटा दो। लक्की भाई उसने लिया हथौड़ा और दे मारा, मालूम चला अंदर ही चला गया सब माल फूट ही गया। पिचक मिटाने के पहले एक हाथ अंदर डालना पड़ता है अंदर, और अंदर भी एक लेके जाना पड़ता है लकड़ी का समझे गट्टा, उसको लगा के फिर ठोका जाता है अंतर हाथ पसारिए बाहर मारे चोट। हर व्यक्ति के हाथ मत दे देना ये तो मालूम। ओ मुमुक्षु दिल्ली आनंद एक डॉक्टर के यहां चला गया तो वो देखे उसका सहयोगी बन गया, वो कहे इंजेक्शन उठा दो ये दवाई उठा दो। एक दिन क्या हुआ एक ऊंट अस्वस्थ हो गया तो ऊंट मालिक ने बुलाया डॉक्टर को। अभी भाई कम साथ में चल रहे थे कंप्यूटर साहब ये आनंद भाई, तो उसने देखा ऊंट कुछ खा नहीं रहा दो दिन से, हाथ फेरा गले पर उसने देखा हाँ, बोले ये तो बताइए ये चरने कहाँ गया था? बोले कुछ नहीं कचवारी में चर रहा था वो तरबूज के खेत में चला गया था। तो समझ गया कि इसने सीधा तरबूज एक निगल गया सो अड़ गया तरबूज अड़ गया। तो वो चतुर था वैद्य, उसने कोई बात नहीं इसको लिटवा दो, ऊँट को लिटाया, एक मुगरिया मंगाई वो कपड़ा कूटने वाली ठीक है इसके बाद, और एक नीचे से पट्टिया लगाया उसने एक मारा गले पर समझ के वो कलींदा फूट गया, और जैसे कलींदा फूटा ऊँट मुख चबा के खड़ा हो गया स्वस्थ हो गया। अब तो बहुत अच्छी बात है। अब आनंद भाई था बोले सब पागलपन है मैं क्यों कंप्यूटर बन के घूमू, मैं तो स्वयं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन गया लिखवा दिया डॉक्टर आनंद भाई। तो एक दिन क्या हुआ योगेश माँ है, अच्छा सुनील माँ है नहीं है चलो अब चलेगा इनसे बात कर ले सुनील से। तो सुनील ने इनकी माँ बीमार हो गई तो देखा कि ये भैया अपने घर का आदमी है और डॉक्टर ही उससे रहता था डॉक्टरों के साथ और डॉक्टर सीख गया होगा, तो बस माँ बीमार थी ये गया देखने, जैसे नाड़ी माड़ी देखी गले पे हाथ फेरा
कहता सुनील भाई एक मुगरिया लाओ। अब सुनील क्या मालूम क्या करने वाला है, मुगरिया लाओ। उसने क्या के एक मारी बुढ़िया को मुगरिया, बेचारी अम्मा मर गई। उसने तो सोच लिया था मुगरिया मारो पैसा कमाओ। अरे महात्मा जी, ऐसे मुगरिया मारने से कोई स्वस्थ नहीं होता, विवेक लगाना पड़ता है किसको कौन सी मुगरिया मारना है। ऐसे ही हर व्यक्ति माइक पकड़ के बैठ जाता मुगरिया मारो, हर व्यक्ति प्रवचनकार बन रहा, हर व्यक्ति समाज का नेता बन रहा है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। मेरे मित्र पढ़ाई तो कर लो पहले, सोच लो कि वो ऊंट के मुगरिया कब मारी थी। ऐसे ही पिचक मिटाने के पहले सुनील सीख लेना, नहीं तो वो अम्मा को मार डालो। समझ में आ गया आप सबको? जब तक विद्या का ज्ञान न हो तब तक मौन रखो, जब तक विद्या का ज्ञान न हो तब तक मौन रखो। लक्ष्य की सिद्धि चाहिए है तो पहले अभ्यास करो, अभ्यास करो। मसाला इतना प्रचार मत कर देना कि वे साग की जगह दूध में गरम मसाला डालने लग जाए। बता दिया करो कि ये गरम मसाला साग में ही डाला जाता है, खीर में नहीं डाला जाता है। सुब्रसाने को सिखाओ भाई, नहीं तो रबड़ी में ही फिटकरी डाल दें, उसमें गरम मसाला डाल दो। हे मित्र, तो हर आगम का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ निश्चय नए लगाना है, कहाँ व्यवहार नए लगाना है। नहीं हर जगह गरम मसाला डाल दोगे सब स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनको वास्तव में श्रेष्ठ वक्ता बनने की भावना रखते हैं उन्हें बार बार गुरुओं के प्रवचन सुनना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और उपदेश सुनते सुनते उपदेश बनते हैं। पंडित जी यहां तक आने के पहले सोचो कितने विद्वानों के साथ बैठे हो। फूलचंद शास्त्री, केलचंद शास्त्री, पन्ना लाल, जगनमोहन शास्त्री, दरवाजलाल कोटिया, इन बड़े बड़े विद्वानों को आपने देखा कि नहीं देखा? खूब देखा। वर्धमान पारसनाथ शास्त्री, ओहो क्या बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। माणिकचंद शास्त्री, कौंदे, प्राचार्य जी, ऐसे ऐसे विद्वान हुए भारत की भूमि पर। यदि वे मुनिराज बन जाते, वो मुनि बन के आचार्य बनते ना, तो जो परंपरा पूरा आचार्यों की रही है वैसी चमकती परंपरा तुम्हारी। लेकिन कोठिया जी को हमने देखा, पन्नालाल जी को देखा, जगमोहनलाल शास्त्री को देखा, ऐसे मुनियों से विनय से भरे होते थे, सीधी आंखों में आंसू टपकाते थे कि हमने पूरा जीवन शब्दों में निकाल दिया, आगम का सार नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। इसलिए ज्ञानियों, किंचित मात भी शुद्ध जैनी हो तो जैनी पर नहीं विश्व के प्राणी मात पर दया करना। ओ दया तुम्हारी शब्दों पर भी हो, मन में भी हो और शरीर से भी हो। कृतभ्यासो, आपका समय हो गया। कृतभ्यासो वर्धमान सौम्य सिद्धया की, अभी प्रभु योग निरोध में है, वो बेला भी आएगी जिसके लिए बेसालिक ने बेसाली का वैभव छोड़ा, आत्म वैभव के लिए बेवर्तमान कुंड ग्राम में जन्मे वो मित्र पावापुर में निर्वाण को प्राप्त हुए। प्रातः की वो बेला होगी
जब वर्धमान निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। शाम की वो बेला होगी जब गौतम स्वामी कैवल्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए भूत नहीं गम नहीं यथा भूत नहीं गम नहीं अद्य दीपोषण दिनी वर्धमान स्वामी मोक्षम गता। तो भूत नहीं गम ने क्या कहता है, भूत को वर्तमान बत कहना ये भूत नहीं गमने का विषय है। वर्धमान स्वामी मोक्ष गए, इसलिए ज्ञानियों भगवान का कर्मों से मोक्ष हुआ है, भगवान का कर्मों से मोक्ष हुआ है। सौरभ ओ युवा नेता बेटा जगत को कहना कि भगवान का कर्मों से मोक्ष हुआ है, हम सभी का ईर्ष्याओं से मोक्ष हो जाए, कुसाओं से मोक्ष हो जाए। जब तक ईर्ष्या का मोक्ष नहीं होगा तब तक कर्मों से मोक्ष कभी नहीं होगा। ईर्ष्या का मोक्ष कीजिए, कर्मों का मोक्ष हो जाएगा। पंडित जी जन्म से ईर्ष्या, घर में जाके देख लो आप तो अपने छोटे पोते को गोद में बिठा लेना और बड़े को नीचे बिठा देना, वो टांग खींचेगा, बोले इसको उतारो। ओहो आप देख लो, कहीं भी देख लो, ये हमारे प्राचार्य जी हैं, तीन पोते लेके आते हैं, एक को पुचकार दे दूसरा रोने लगता है, तो ये तीनों को संभालते हैं। नहीं देखा प्राचार्य, हम सब जगह ज्ञान गे बनाते हैं कि देखो क्या हो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा बच्चा, बोले दादा मुझे ले पहले ऊपर। मतलब व्यक्ति के जन्म से भरी है मनुष्य के अंदर मान कसा है। अब भोले से पूछो क्यों चेहरा बनाए बैठा है, न कोई ले रहा न कोई दे रहा है, देख देख के चेहरा बना रहा है। ज्ञायक भाव से बैठो, ज्ञायक भाव से देखो चेहरा ऐसा नहीं होता। बोला इधर देख भाई, जिनवाणी झूठी हो जाएगी, चेहरा ऐसा नहीं होता है, ज्ञान जैसा बनाता है, भाव जैसा बनता है, चेहरा वैसा बनता है। एकस्मिन द्रव्ये पंडित जी, एकस्मिन द्रव्ये क्रम भावनो परिणाम पर्याय आत्मी हर्ष विषाद वत्। परीक्षामुख सूत्र में पर्याय की परिभाषा है, एकस्मिन द्रव्ये, एक ही द्रव्य में जो क्रम से प्रणमन चलता है उसका नाम पर्याय है। आत्मनी हर्ष विषाद वत्, जब हर्ष होता है तब विषाद नहीं होता है, विषाद होता है जब हर्ष नहीं होता है। जाओ आपका समय हो गया। कृतभ्यासो यथा ध्यानी लक्ष्य भेद चतन में ना, जब निर्णय कर लेता है तो ज्ञानी, लक्ष्य भेद का इच्छुक मनुष्य अभ्यास करता है। ओ पंडित जी पहले सिनेमा वो नुमाइश प्रदर्शनी देखी, बोला प्रदर्शनी वो गुब्बारे टंगे रहते हैं और वो बंदूक लिए रखी रहती है, पैसे दे करके तुम निशान सीखने जाती हो गुब्बारे में, ओ गुब्बारे में पूंखना फोड़ रहे हो, विषय बंदूक का मत समझना, विषय दूसरा है। जैसे लक्ष्य भेद सीखने के लिए तुम जाते हो तब कहीं लक्ष्य तुम फोड़ पाते हो, ऐसे जब संग में रह करके कई बार साधना करोगे तब ध्यान सिद्धि होगी, तब निर्वाण सिद्धि, तब कर्म पर तुम्हारा छेदन होगा, तब निर्वाण मिलेगा। तीर्थंकर जैसी आत्मा दीपक, तीर्थंकर जैसी आत्मा राहुल एक भव में मोचने गई, दस दस भव लग गए ध्यान करते करते, तब कहीं ओ बिहारी तू पुण्यात्मा बेटे, तेरे तो पटना के बगल में बाबापुर है जहां वर्धमान ने निर्वाण प्राप्त किया है। वो सरोवर आज भी वरगणाएं भरी हुई है। पंडित जी मैं बाबापुर गया भगवान के चरण कमलों के पास, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सत्य जिसको जिससे प्रीति होती है तभी रोमांच होता है, कोई संकट नहीं। वो मूलचंद शास्त्री को तो आप जानते थे, टीकमगढ़ वाले चले गए ना आपके साथ थे पन्ना में। पंडित जी इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत का धुरंधर विद्वान, लेकिन ये देवेंद्र नगर में
विधान कराने आए। मैं ऊपर से आया, पंडित मंदिर गेट पे मिल गए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, ऐसे पकड़ लिया मुझे तुमने, गले लग गया। हमने पंडित जी देखो हम कौन है, महाराज है महाराज, बोले रहो महाराज, कितने दिन मिले हो, हमें मिल लेने दो। नियोग देखो बे पंडित जी वृद्ध, और ऐसा नियोग था। इसके बाद पंडित जी फिर नहीं मिले। कभी कभी होता पंडित जी, जीव को अब आभास हो जाता है हम जाने वाले हैं। तो मित्र अंजन चोर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तू चोर है, वो उसके भूत पर जाकर बताया कि चोर होने पर भी कितनी श्रद्धा थी कि अंजन निरंजन हो गया। पर संस्कार जो है ना वो जाते नहीं है। अरे पंडित जी दी ऐसे इन सबसे कहो, ये सब सबसे कहो, सुनो महात्माओं, भरत बाहुली दोनों बन गए भगवान, उज्जवल संकल्प भगवान भगवान भरत बाहुली दोनों बन गए भगवान, लेकिन भाई भाई से लड़े थे, इतिहास नहीं मिटा पाए। इसलिए आनंद फोड़ा ठीक हो जाएगा, दाग नहीं मिटेगा। इसलिए मित्र सबसे क्षमा मांग ले। बोले भाई वो बैठा प्रधान, ओह भैया चले जाओ, अपन तो छोटे हैं। प्रधान जी से बोलो, बोले प्रधान जी फोड़ा फूट मिट जाएगा, दाग नहीं मिटेगा, क्षमा कर दो। ओ ज्ञानी बहुत बढ़िया। तो ज्ञानी आज क्या है, दीपावली, एक जला बुझा दीप, हजारों दीपों को जला दे, सब खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया है, सही परस्पर में जय जयनंद कर लो, गले मिल लो सब एक दूसरे से। ए सुनील भाई कहां भग रहे हो, जय जिनेन्द्र, ज्योति ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।